हेलो गाइस, दिस इज सीए कन्हैया मणियार। हेलो गाइस, दिस इज सीए कन्हैया मणियार। हम लोग पढ़ रहे हैं सीए इंटर डायरेक्ट टैक्स, मोर स्पेसिफिकली इनकम टैक्स, टू बी मोर स्पेसिफिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सम स्टार्ट किए थे, और जो सम स्टार्ट किए थे वो सम्स के अंदर मैंने आपको दो सम होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन, आप लोगों ने होपफुली होमवर्क किया होगा ऐसा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ। किसने होमवर्क नहीं किया है? ट्राई किया कि बिल्कुल कुछ भी नहीं किया? ट्राई मतलब नोटबुक में कि वो क्वेश्चन के आजू बाजू ही? मतलब लिखा हुआ होना चाहिए नोटबुक में। और मैंने आपको पहले भी बोला था, जो आप क्वेश्चन ट्राई करते हो उसके ऊपर से लिखने का माई सोल्यूशन, फिर मैं कर रहा हूँ मेरा सोल्यूशन कॉपी करके उसके ऊपर लिखने का सर सोल्यूशन या करेक्ट सोल्यूशन, फिर दोनों से मिस्टेक ढूंढने का, ताकि आपको क्या क्लिक नहीं हुआ क्या नहीं समझा, वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमें क्लिक नहीं हुई थी। चलिए आइए क्वेश्चन 6 पे आते हैं, वेरी फैबुलस क्वेश्चन। पहले तो इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन हमेशा उनके आरटीपी में डालती थी रिवीजन के लिए, रिवीजन टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट इशू करती है ना, उसमें आरटीपी में डालते थे वो। एक्स हैज थ्री प्रॉपर्टीज सिचुएटेड एट मुंबई, प्रॉपर्टी ए इज लेट आउट, प्रॉपर्टी बी इज लेट आउट, प्रॉपर्टी सी हैज फोर आइडेंटिकल यूनिट, लेट आउट फॉर रेजिडेंस, यूज फॉर ओन बिजनेस, यूज फॉर ओन रेजिडेंस, लेट आउट बट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जैन, वॉज ऑल्सो यूज फॉर ओन रेजिडेंस। ये जो 1 जैन लिखा है ना, इसको 1 जैन 24 कर लो चाहिए तो। द पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी ए एंड बी आर एज फॉलो, ए और बी का डिटेल देके रखा है हमको, फेयर रेंट दिया है, म्यूनसिपल वैल्यू दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन, रेंट फॉर द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च ऑफ करंट प्रीवियस ईयर ऑफ प्रॉपर्टी बी कुड नॉट बी रियलाइज। अब ये देखो यहाँ पे फेब और मार्च 24 का रेंट रियलाइज, अनरियलाइज रेंट कौन सी प्रॉपर्टी है? ये बी के लिए, बरोबर। अनरियलाइज रेंट अलाउड इन पास्ट रिकवर ड्यूरिंग ईयर रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी बी वॉज 2 लाख। Property A was vacant by earlier tenant on 1st March of last year. This tenant did not pay rent of 80,000 and since then has become history. Nothing can be realized. Particulars of C, देखे रखा है municipal value, rent of 1, rent of 2, municipal tax paid, repairs, insurance, ground rent. Calculate income under the head house property of X for the relevant assessment year for your exam. That is assessment year 24-25. If X opt out of default tax regime, क्वेश्चन समझा आपको? चार प्रॉपर्टी है, ए बी सी, सी में वापस चार है, तो ऐसे देखेंगे तो टोटल कितनी हो गई? 6, बरोबर। जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है वो यहाँ पर कंसिडर, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका क्या मिलेगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड, बरोबर। हाँ, कौन सा 80,000? वो डिड नॉट रियलाइज, वो पहले का है तो उसका कोई यूज ही नहीं है ना, हमारे साल का है ही नहीं वो, वो तो पिछले प्रीवियस ईयर का है, हमको अनरियलाइज कौन से साल का टैक्स मिलता है? करंट ईयर का, तो ये तो कुछ यूज नहीं है इसका। चलो स्टार्ट करें अपन। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
एस एस सी कौन है इसमें, मिस्टर एक्स, लीगल स्टेटस, इंडिविजुअल, प्रीवियस ईयर 2024-25 नहीं है, 2023-24, 2024-25 पर्टिकुलर्स, रुपीस और रुपीस, बराबर। हाउस ए लेट आउट है, हाउस बी लेट आउट है, वो भी हाउस सी में यूनिट वन लेट आउट है, यूनिट टू शायद यूज्ड फॉर ओन बिजनेस है, देखो एसओपी, यूनिट थ्री यूज्ड, मैं वही बोल रहा हूँ, यूनिट टू यूज फॉर ओन बिजनेस है, आप मुझे सेल्फ, तो ओन बिजनेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड किसको बोलते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड किसको बोलते हैं, अपन रहते हैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं, अपन रहते हैं वो रह थोड़ी रहे, बिजनेस के लिए यूज करे ना, यूज फॉर ओन बिजनेस, नोट वन, इसके लिए नोट वन लिखेंगे अपन, फिर ये एसओपी है, यूनिट फोर पीछे क्वेश्चन में किया भी था अपन ने, क्वेश्चन टू के अंदर एलओपी, फिर अनरियलाइज्ड रेंट वगैरह कुछ रिकवर हुआ है क्या पास्ट का, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना रिकवर हुआ है, 60 डिडक्शन, तो 1,40,000 क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ तक डेकोरेशन करो पहले जल्दी से, डेकोरेशन कीजिए गाइस, है क्या इसमें, आज इसमें वही तो पूछा आपको, कहाँ है अरियर्स, मैं रीड करता हूँ, rent for the month of Feb March of current year, that is Feb March 24, could not be recovered. Unrealized rent, unrealized rent allowed in past recovered during the year in relation to property B. ये क्या हुआ? Unrealized rent recovered हुआ. Property A was vacant by earlier tenant in last previous year. Last time उसने खाली किया. This tenant did not pay rent. अब उसने rent नहीं pay किया तो income कैसे होगी? एंड पे नहीं किया था इनकम कैसे होगी, एंड सिंस देन हैज बिकम हिस्ट्री, नथिंग कैन बी, कुछ मिला ही नहीं उससे, तो अरियर्स किधर मिला आपको, वेयर इज अरियर्स, अरियर्स जैसा कुछ है ही नहीं ना इसमें, ये समझा सबको, हाँ क्या डाउट है अपने को, विनय क्या डाउट है,
उसमें 23 बराबर है पिछले साल, इसीलिए ये साल डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका नोट लिखेंगे हम। वो मकान खाली कब हुआ? 1/1/23 को, 1/1/23 को खाली हुआ। 1/1/23 मतलब प्रीवियस ईयर 22/23, हाँ तो प्रीवियस ईयर 22/23 में खाली हुआ, उस समय उसने रेंट पे नहीं किया, वो डिडक्शन कौन से साल में मिल गया होगा? 22/23। तो अभी का उसका कुछ है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है, एंड एग्जामिनर हैज बीन सक्सेसफुल इन कंफ्यूजिंग यू। वो बराबर है, बराबर ये लिखा सबने, ये लिख के हुआ ना? वर्किंग नोट वन, व्हेन एनी प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस देन इट इज नॉट कवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सच प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम यू ऑब्लिक एच, मतलब क्या हुआ? अंडर द हेड, बहुत इमरजेंसी हो तो, नहीं तो नहीं। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड सो एसएससी मिस्टर एक्स विल बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट ऑफ सेल। Therefore, unit 2 of house property C is covered under the head income from business profession, depreciation on same will be allowed under the head income from business profession, also expenses relating to it shall be allowed under the head income from business or profession, municipal tax paid। कितना municipal tax paid है house C का? House C का municipal tax paid कितना है? 15,000। 15,000 में से ये यूनिट का कितना होगा? 4 यूनिट है ना, तो डिवाइड बाय 4। और रिपेयर कितना है? 8,000। इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, ये सब ना रुपीज 15,000 डिवाइडेड बाय 4। एक्चुअल रिपेयर्स insurance, ground rent, etc. बरोबर, एक बार रीड करो, देखो क्या बोला है। When any property is used for own business, then it is not covered under the head income from such property is covered under business profession, and so SSC will be allowed under the head business profession depreciation on cost of sale.
यूनिट टू ऑफ हाउस सी इज कवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, डेप्रिसिएशन ऑन सेम विल बी अलाउड, ऑल्सो एक्सपेंस रिलेटिंग टू इट शैल बी अलाउड अंडर बिजनेस प्रोफेशन. कौन से एक्सपेंस? म्युनिसिपल टैक्स पेड, एक्चुअल रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट एक्सेट्रा. बरोबर, ये सब कहाँ अलाउ होगा? वेरी क्लियर, ये नोट लिखा सबने? वो हाँ बिजनेस प्रोफेशन में होता है या नहीं? उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो बिजनेस प्रोफेशन में मिलेगा, तो उसको हमको यहाँ कुछ करना ही नहीं है. हमको तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करनी है, पर लिखना तो पड़ेगा ना हमको, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हमको कितनी अक्ल है, कितना नॉलेज है. बाकी सच्चाई तो आपको मुझे ही मालूम है. म्युनिसिपल टैक्स पेड रुपीज 23750. हाउस सी में चार यूनिट है, टोटल म्युनिसिपल टैक्स दिया है, चारों में इक्वल बटेगा ना. ऐसे इंश्योरेंस भी चारों में बटेगा, ग्राउंड रेंट भी चारों में बटेगा, रिपेयर स्पेसिफिकली दिए. ऐसा कुछ नहीं है. आपको मैं एक छोटा सा चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे, एक बार उसमें से 12 मार्क का पूछ लिया, 8 पेज का चैप्टर था वो. उसके बाद वाले अटेम्प्ट में 16 मार्क का पूछ लिया उसमें से, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है. तो आप सीए एग्जाम में ऐसा मत सोचो कि ये चैप्टर में वेटेज कितना है, पढ़ना सब पड़ेगा आपको. ज्यादा वो सब दिमाग लगाओगे तो पढ़ोगे नहीं. एक बार सीए फाइनल के अंदर एक चैप्टर है, सीए फाइनल एफएम में, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट. एएस नहीं, बड़ा चैप्टर है, भारी चैप्टर है. एसएफएम, मैं एफएम, एफएम करके सब्जेक्ट है फाइनल में. तो वहाँ पर तो एक स्टूडेंट मेरे पास नहीं था, वो कहीं बाहर था, वो तो बाद में मेरे पास आया था. तो उसने बेचारे ने सब पूरा एफएम अच्छे से पढ़ के गया था, सिर्फ फॉरेक्स ही छोड़ के गया था. और उसके एग्जाम में 70 मार्क्स का फॉरेक्स आया था, 70, 100 में से फेल हो गया बेचारा. फिर आया मेरे पास, बोला मुझे खाली फॉरेक्स पढ़ा दो आप. बोले मेरे सब पढ़े हुए हैं, तो उसको मैंने फॉरेक्स पढ़ाया, उसके अगले अटेम्प्ट में सीए बन गया वो. फॉरेक्स हमेशा आता है उसमें. इसलिए टैक्स में भी ऐसी है, इनका कुछ भरोसा नहीं है. जैसे ही आपने बोला कि ये ऑप्शन में डालता हूँ, उनके खुफिया जासूस घूमते रहते हैं, वो सुन लेंगे और एग्जाम में वही चीज आएगी जो आप ऑप्शन में डालोगे. ये लिखा सबने? मैं फाइनल तक पढ़ाता हूँ, मेरा मेन फाइनल ही है, फाइनल इंटर ही. मैं छोटी छोटी स्टैंडर्ड्स कम पढ़ाता हूँ, मेरा मेन जंक की सीए फाइनल, सीए इंटर है. वर्किंग नोट टू, फॉर कैलकुलेशन ऑफ. अब हमारे को सेल्फ ऑक्यूपाइड एक ही है. वैसे आप अकलमंद हो तो ये वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़े, पर मुझे पता है अकलमंद नहीं, इसलिए अपन बना लेते हैं. फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एनएवी कितना हो जाएगा अंडर सेक्शन 23(2)(a) नील, उसमें से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन नील, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड नील नील. क्योंकि देखो प्रॉपर्टी सी, हाउस प्रॉपर्टी सी यूनिट 3, उस और हाउस प्रॉपर्टी सी में कुछ इंटरेस्ट है भी नहीं, तो इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. अब सोचो आप में बुद्धि होती तो नहीं बनाना पड़ता.
पर जब आप लिखते हो ना तब आप इंफॉर्मेशन ढूंढते हो क्वेश्चन में, इसलिए लिखना पड़ता है, समझे कभी भी। अच्छा ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा इधर, ये देखो ये अंडर सेक्शन 23(2)(a), सेक्शन 23 में देखो अलग अलग क्लॉज बताए थे, वन वाले में एनएवी था, टू में बोला था सेल्फ ऑक्यूपाइड पे नील होगा, थ्री में बोला था कि दो ही होगी, कोई बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, सब सेक्शन फोर में बोला था एडवांटेज सब, ऐसा करके दिए है ना, तो वो सबसे ये आपने नंबर लिख दिया तब तो आप नोट नहीं लिखो तो भी चले कि सेल्फ ऑक्यूपाइड को नील क्यों लिया, बरोबर। उसमें दो थे 23(2)(a), 23(2)(b), एक था सेल्फ ऑक्यूपाइड हम खुद रहने के लिए यूज कर रहे हैं, बी अगर हम कहीं और जॉब एम्प्लॉयमेंट करते हैं और हमारा कहीं और है। देखो लास्ट लेक्चर में किया था मिस्टर एस इंदौर, याद आया, जिसमें आप बहुत सारे नोट लिख रहे थे और आप मुझे बोल रहे थे कि सर और लिखवाओ, मैं नहीं लिखवा रहा था, याद है, मैं बोला आप थक गए हो, कम लिखो, फिर आप मुझे फोर्स किए जा रहे, मैं लिखवाए जा रहा हूँ, लिखवाए जा रहा हूँ। कभी कभी ऐसी झूठी तारीफ करनी पड़ती है ना आपकी। अभी वर्किंग नोट थ्री, ये लिखा सबने सेल्फ ऑक्यूपाइड, हुआ लिख के अब इनकम फ्रॉम कौन सा लिखेंगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अच्छा अभी इसमें लेट आउट प्रॉपर्टी बहुत सारी है, पर्टिकुलर्स बराबर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड, लेस अनरियलाइज्ड रेंट, तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू। Less deduction standard deduction at the rate of 30% of interest on money borrowed, आ जाएगा इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। फिर कौन सा वर्किंग नोट आएगा, नंबर नंबर पूछ रहा हूं मैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाँ वर्किंग नोट बनाओ थोड़ा, अच्छा मैं तो बना लेता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी ए,
हाउस प्रॉपर्टी बी, हाउस प्रॉपर्टी सी, यूनिट वन, यूनिट फोर, ए फेयर रेंट दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू हाईएस्ट, फिर स्टैंडर्ड रेंट लीस्ट, फिर बी और रिसीवेबल। सी सेंस सी इज मोर देन इक्वल टू ए, जी ए वी इज इक्वल टू बी, सेंस सी इज लेस देन ए, जी ए वी इज इक्वल टू आपकी इच्छा, नहीं लिखना है तो मत लिखो। वर्किंग नोट थ्री से दिखाओ। कहाँ तक लिखा? ये लो, लिखा वर्किंग नोट फोर। थ्री हुआ क्या सबका? वाह, वर्किंग नोट फोर बना के
यहां तक हुआ। तो चलो पहले जीएवी कैलकुलेट करेंगे। अभी बताओ फेयर रेंट कितना है हाउस ए का? 1 लाख। म्युनिसिपल वैल्यू? हाँ तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड रेंट, तो लीस्ट हाउस प्रॉपर्टी बी में फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। बरोबर। अच्छा एक्चुअल रेंट कितना दिया है इसमें? 8,000 पर मंथ, दूसरे में 7,000। तो कितना हो जाएगा? ₹96,84,000। बरोबर। इसमें वैकेंसी है क्या कुछ भी? सी इज मोर देन ए, जी ए वी इज इक्वल टू बी 96, सी इज लेस देन तो ए 85। ये समझा पहला, हाउस ए और बी के बीच में है। सब जन हाउस ए और बी समझा? अभी यूनिट 1 और 4 करते हैं। देखो क्या दिया है उसने, यूनिट 1 और 4। यूनिट 1 का रेंट है 4,000, यूनिट 4 का 5,000। यूनिट 4 एक एक चॉइस से सेल्फ ऑक्यूपाइड था, पर उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या रेंट और रिपेयर? एक्चुअल रेंट है ना, रेंट ऑफ यूनिट 1, रेंट ऑफ यूनिट 2, रेंट रेंट है वो, रेंट समझे क्या? अरे देखो ना रेंट, बरोबर। अच्छा उसके बाद में जो प्रॉपर्टी है वो पूरा 12 महीना लेट आउट है पहले तो, यूनिट 1 तो, और यूनिट 2 में 3 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड है। यूनिट 4 में 3 महीना, ये देखो ना यहाँ पे 1,124। बरोबर। तो आ जाइए यहाँ पे फेयर रेंट कितना दिया है? 1,80,000 दी है, फेयर रेंट दिया हुआ, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल 1,80,000। कितने मकान का? 4 ना, चारों यूनिट का है ना वो, तो 45 और 45। Highest 45। बरोबर। ये समझा सबको? एक्चुअल रेंट कितना है पहले का?
5000 इंटू 9 मंथ्स, समझे क्या? सेल्फ ऑक्यूपेड का भाड़ा थोड़ी मिलेगा, खाली जो हम खुद कर रहे हैं उसी का भाड़ा मिलेगा ना। बरोबर। फिर उसके बाद वैकेंसी है क्या इसमें? किधर भी है ही नहीं ना वैकेंसी। यूनिट फाइव के अंदर भी 45 ही है ना। यहां तक हुआ? अच्छा, पहले में सी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है तो वैल्यू क्या होगा बी? दूसरे में सी और ए इक्वल टू है तो बी। और यहां पर ओहो गलत जगह लिख दिया मैंने। बरोबर। ये जीएबी में चला जाएगा 96, 85, 48 और 45। यही है ना जीएवी? देखो देखो जीएवी यही है ना। विनय बातचीत नहीं। सिर्फ पेड ही अलाउ होता है, आपको कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है आपको हितेश। तो ऐसा खाली विनय को वर्ल्ड फेमस बनाऊंगा मैं? मनन तो कल ही हो गया था। अच्छा अभी पेड़ कितना है देखो तो जरा, 15 और 3। थ्री सेवन फाइव जीरो। बरोबर। अच्छा अनरियलाइज रेंट किस में? यहाँ पे 2 महीने का। अभी बी का रेंट कितना था? 7000। तो 7000 इंटू 2 महीना। बाकी किसी में तो अनरियलाइज रेंट नहीं था तो ये हो जाएगा 81। ये हो जाएगा 68, 44, 250। स्टैंडर्ड रेंट 30% माइनस करोगे 24,300, 275। 12 लाख कैसे होगा? 41,250 का 12 लाख कैसे होगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बारे में देखो दे के रखा है 40 और 15।
और बाकी इसमें तो इंटरेस्ट है नहीं, तो 40,000, 15,000, ये निल, सी सी में नहीं है ना कोई भी इंटरेस्ट, क्या बोल रहे हो? हाँ 2 महीने का ही तो लिया अपने, 14,000, वो लिखते समय गलत लिखा है, बाकी दिया 2 महीने का ही है, बराबर? क्या हुआ, क्या डाउट है तनिषा को? सबका नाम लेके वर्ल्ड फेमस करना पड़ेगा ना सबको। आप अजमेर उतर के अजमेर के आजू बाजू के गांव में जाओ तो सिर्फ तनिषा को आवाज लगाना, सब भागे भागे आ जाएंगे। वो दिया है ना ए और बी के अंदर, ए और बी में देखो जाके, ए और बी में देखो, सी में तो नहीं है, ए बी में देखो, दिखा, ये देखो मैंने वही तो लिखा है 40-15। तो वही क्वेश्चंस, बिना क्वेश्चन के कैसे आप आंसर लिखोगे? इसलिए तो पहले फॉर्मेट बनवाता हूँ, फिर क्वेश्चन में से आपको अमाउंट लिखने को आनी चाहिए। यहाँ तक लिखा क्या बताओ, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यही आता है क्या विनय? ओ अजमेर के वर्ल्ड फेमस विनय, बराबर? तो आ जाओ इधर, बोलो कंप्यूटेशन में लिखने के लिए 16,000। दूसरा फिर यूनिट वन 30, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये यही है क्या? दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? सबको ऐड करो कितना होता है? 16,700, 32,600, 59,850, 1,40,000। वन फिफ्टी, ये समझा? देखो बिना यही आया क्या? रिकॉर्डेड वालों एक बार देख लो, नहीं लिखा रहेगा तो पॉज करके लिख लेना वीडियो। अभी सब नोट लिखने पड़ेंगे आपको, कौन सा देखना है आपको? अभी आप कौन सा नोट लिखोगे? नोट 5 म्युनिसिपल टैक्स वाला, नोट 6 अनरियलाइज्ड रेंट वाला, नोट 7 एक्सपेंसेस के लिए, पीछे के सम्स में लिखवाया वैसे के वैसे। पहला कौन सा? म्युनिसिपल टैक्स, नोट 5 मैं नहीं लिखवाऊंगा, अभी आपको लिखना है म्युनिसिपल टैक्स। 6 किसके लिए? अनरियलाइज्ड रेंट। 7 किसके लिए? एक्सपेंसेस कवर्ड इन स्टैंडर्ड डिडक्शन। प्रॉपरली पीछे के सब में देखो और वैसा लिखो, तीनों चीजें अब भी लिखना है, अब भी हो गया बोल के।
चलिए जल्दी जल्दी लिखिए नोट, रिकॉर्डेड वालों आप लोग को भी लिखना है, लिखो। सब जन लिखिए, मैं जब तक पानी लेके आता हूँ तब तक लिख के हो जाना चाहिए आपका। और आते से सबसे पहले विनय का नोटबुक चेक करूंगा, क्योंकि वही एक डैश डैश है जो कभी नहीं लिखता है। डैश डैश जो आप नीचे एक दूसरे को बोलते हो ना, हाँ हाँ समझा मैं। अभी आप सब में गलती करते हो तो देखो विनय आपको बोलता है। सब सब आवाज आती है मेरे को। जल्दी जल्दी नोट लिखो, रिकॉर्डेड वालों जल्दी लिखो, मैं जब तक पानी भर के लाता हूँ।
इसके आगे ये भी तो लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर हाउस ए और हाउस बी के अंदर म्युनिसिपल टैक्स ड्यू है, इसलिए वो अलाउ नहीं हुआ डिडक्शन। तो ही तो नोट का मतलब हुआ ना, तो ही तो एग्जामिनर को समझेगा ना कि आप इंटेलिजेंट हो। लाओ नोटबुक दो आपकी। हाँ देखो, नोट थ्री म्युनिसिपल टैक्स का ऐसे लिखा गया, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय ओनर इज अलाउड डिडक्शन। उसके आगे एक लाइन लिखो, देयरफॉर, लिखो देयरफॉर, देयरफॉर म्युनिसिपल टैक्स ड्यू इन केस ऑफ हाउस ए एंड बी, इन केस ऑफ हाउस ए एंड बी इज नॉट अलाउड डिडक्शन, इन केस ऑफ हाउस ए एंड बी इज नॉट अलाउड डिडक्शन। समझा? देखो, आप खाली नोट लिखने से कोई यूज नहीं है, इस क्वेश्चन में उसका क्या यूज है वो बताना पड़ेगा ना अपने को। फिर आपने अनरियलाइज का क्या लिखा बताओ, unrealized and relating to house property B shall be allowed deduction from GAV as done in, alternatively can be allowed deduction while calculating GAV in working note 4 from calculation from actual rent received or barabar haan wo usne nahi likha hai। अभी नेक्स्ट वाला लिखो, हाँ ठीक है, एक्सपेंसेस वाला, एक्सपेंसेस वाला जल्दी। एक्सपेंसेस वाला नोट लिखो सब जन, खुद तो आना चाहिए ना खुद को, ऐसे नहीं करो। आवाज आ रही है, देखो लाइन लाइन तक दिख रही है मुझे। मतलब ये इसमें, इसमें सेटिंग में, पूरा जाओ थोड़ा नहीं जाओ, जल्दी जल्दी एक्सपेंसेस वाला नोट लिखो। एक्सपेंसेस वाला नोट लिखा गया, विनय बुक तो आगे पास करो, विनय नोट के पास करो जल्दी। बस नोटबुक देके चल जाओ, आपका चेहरा नहीं दिखाना है मुझे किसी को। नहीं नहीं नहीं, चेहरा दिखाने के लिए अलग चार्जेस है हमारे। गलत लिखा है आपने, वो बराबर हाँ लिखा क्या नोट, नोट लिखा है पढ़ सुन लो, एक्चुअल रिपेयर्स कॉमा कलेक्शन चार्जेस वो है ही नहीं यहाँ पर। हाँ बराबर, और इंश्योरेंस ग्राउंड रेंट है वो लिखा ही नहीं। लाओ पेन तो जल्दी से, एक रेड पेन तो मुझे आके फटाफट, रेड पेन तो जल्दी से। हाँ तो एक एक्चुअल रिपेयर इंश्योरेंस एंड ग्राउंड रेंट रिलेटिंग टू
हाउस प्रॉपर्टी सी इज नॉट अलाउड डिडक्शन सेपरेटली एज इट इज कवर्ड इन स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%. मैं बोला ना हाई लेवल डैश डैश लोग एक्चुअल रिपेयर्स इंश्योरेंस बातचीत नहीं एंड ग्राउंड रेंट. रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी सी. आज ये मोहित क्यों नहीं लिख रहा है? इज नॉट अलाउड डिडक्शन सेपरेटली एज इट इज कवर्ड इन स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%. देखो कैसे लिखा है, आपको समझेगा. कैच करो. लो ढक्कन इधर नीचे गिर गया, बाद में लेना. आइए इधर नीचे से, नीचे मुंडी करके, नीचे मुंडी करके, इधर 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 डब्बे में, अंदर अंदर अंदर. अभी आज तो एक ही पेज में आया है, नेक्स्ट टाइम से ये नोट 6 पेज तक जा सकता है, और उसके बाद चाहिए तो 100 पेज में लिख के बताऊंगा आपको मैं ये. ऐसे आपका नुकसान करूंगा तब जाके शराफत से लिखूंगे. क्या ऐसा मारवाड़ी हो ना, पैसे की चोट लगेगी तभी सुधरूंगे. हो गया बोल के. यंग जनरेशन जो अनएम्प्लॉयड हो रही है वो नहीं लिखने की वजह से, उसका क्या? बराबर है. चलो अभी आ जाओ, ये समझा सबको. अभी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 किसी ने सॉल्व किया है क्या? क्या क्या बना है? चलो आते हैं. जेड ओन्स 5 हाउसेस. दीज हाउसेस आर यूज्ड बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस. दीज हाउसेस आर नॉट लेट आउट ड्यूरिंग दी एनी पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर. नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हाउसेस. Following is noted from the records of Z. Municipal value or fair rent, whichever is higher, but subject to maximum. Municipal tax paid by Z, interest on capital borrowed to purchase property, date of borrowing in all cases is after 1499. Interest on capital borrowed to finance repair and renewal or construction of house property. Compute net income of 24-25x opt out of default tax. क्योंकि अगर default
में तो कोई मिलता ही नहीं है। तो आप अगर इंटेलिजेंट रहो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और वो नीचे नहीं बोले तो आप बोल कि ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट, नो डिस्ट्रैक्शन, बरोबर। खाली सेल्फ ऑक्यूपाइड जो लेट आउट रहेगा उसका ही डिडक्शन मिलेगा। पर कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना उसमें भी। नहीं, अपन तो यही करते हैं क्योंकि टफ वाला कौन सा है, अगर वो ऑप्ट आउट करता है तो डिफॉल्ट फॉलो करेगा तब तो इजी है कैलकुलेशन। चलिए आइए कैलकुलेशन करें अपन। ये समझा सबको? चलिए अब मुझे बताओ, इसमें पांच मकान है, पांचों के पांचों रहने के लिए यूज कर रहा है, हमको सेल्फ ऑक्यूपाइड का डिडक्शन चाहिए, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का डिडक्शन कितने पे मिलेगा? दो पे। तो हमारे पास चॉइस है अलग अलग, करेक्ट, हमको सब कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे, करेक्ट। बातचीत नहीं प्लीज विनय, बहुत बात कर रहे हैं आप, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को। एज पर सेक्शन 23, 23 किसका है? एनुअल वैल्यू, सब सेक्शन 2, क्लॉज ए, इफ एनी हाउस प्रॉपर्टी इज यूज्ड, इफ एनी हाउस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर ओन रेसिडेंस, साथ के साथ लिखते जाओ, देन क्या हो रहा है इसमें बार बार, देन एनुअल वैल्यू ऑफ सेम शैल बी निल, दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली ऑन टू हाउस प्रॉपर्टीज एट ऑप्शन ऑफ एसएससी, बरोबर। इन गिवन केस मिस्टर जेड हैज फाइव हाउस प्रॉपर्टीज एंड ऑल आर यूज्ड एज एसओपी, मिस्टर जेड विल बी अलाउड ओनली टू हाउस प्रॉपर्टीज एज एसओपी एट हिज ऑप्शन। आया ना, ये समझा क्या? मिस्टर जेड हैज फॉलोइंग ऑप्शंस, के पास कितने हैं फॉलोइंग ऑप्शंस, बरोबर। इसमें हाउस प्रॉपर्टी 1 2 3 है कि ए बी सी डी है? हाउस 1, हाउस 2, लिखो फिर नीचे लिखता हूँ। यहाँ तक हुआ? एक काम करते उल्टा टेबल बनाते हैं, ऐसे भी तो क्या होगा।
हाउस प्रॉपर्टी वन, हाउस प्रॉपर्टी टू, हाउस प्रॉपर्टी थ्री, हाउस प्रॉपर्टी फोर, हाउस प्रॉपर्टी फाइव। ओहो, जगह बच नहीं रही वापस। हाउस प्रॉपर्टी वन, हाउस प्रॉपर्टी टू, हाउस प्रॉपर्टी थ्री, हाउस प्रॉपर्टी फोर, हाउस प्रॉपर्टी फाइव, टोटल। वैसे करोगे तो भी चलेगा, उसमें क्या है कॉलम्स के लिए जगह कम गिरेगी, इसलिए मैंने ऐसे किया। आपको वैसे करना है तो जो मैं इधर लिखूंगा आप उधर लिख लेना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये समझा। अच्छा, अभी यहाँ पे ऑप्शन वन, पहले ऑप्शन में हम इसको एसओपी लेंगे, इसको एसओपी लेंगे, ये डीएलओपी, 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 हाँ या ना। फिर ऑप्शन टू, देखो मैंने एक लाइन छोड़ के लिखा है ताकि अमाउंट लिख सकूं उसमें मैं। हाँ, फिर दूसरा ये एसओपी, ये डीएलओपी, ये एसओपी, ये एसओपी, ये एसओपी, समझा। हाँ, डीएलओपी, डीएलओपी हो, डीएलओपी, डीएलओपी, बराबर। ऑप्शन थ्री, एसओपी, डीएलओपी, डीएलओपी, एसओपी और डीएलओपी। ऑप्शन चार, डीएलओपी, डीएलओपी, एसओपी, बराबर। ऑप्शन पांच, ये चार समझे आपको, पांच। अब ये डीएलओपी हो जाएगा और ये एसओपी, ये एसओपी, डीएलओपी, डीएलओपी, फिर छह, ये डीएलओपी, ये एसओपी, ये डीएलओपी, ये एसओपी, ये डीएलओपी, सात, डीएलओपी। अभी आप जरा ट्रायल एरर कम करो और लिखने पे ध्यान दो। ये मार्कर बीच बीच में चल क्यों नहीं रहा है? बरोबर। फिर आठवें में डीएलओपी, ये भी डीएलओपी, एसओपी, एसओपी, डीएलओपी, बरोबर। नवे में डीएलओपी, डीएलओपी, एसओपी, डीएलओपी, एसओपी। दस में डीएलओपी, 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 एसओपी, एसओपी, यस और नो? तभी तो होमवर्क दिया गया था आपको, फाउंडेशन में मैथ्स में परम्यूटेशन पढ़ा था आपने, याद है? पूछ रहा मैं तो, कुछ याद है ऐसा? 5p2, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 5 4 20 डिवाइड बाई 2 10, बता देता उसे 5p2, ऐसा कुछ। npr, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, कट कट, 20 upon 2 10। इसको मैथ्स बोलते, मैथ्स जो आप फाउंडेशन में होपफुली पढ़े होंगे।
सभी दिखा रहा हूं मैं, एक बार ये रब कर दूं मेरे को। वो तो मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूट की गलती के वजह से आप आ गए यहाँ पे। जब आप बोलोगे कि मैंने नहीं पढ़ा, ऑप्शन में डाला, मतलब इंस्टीट्यूट ने गलती से पास कर दिया, मतलब आपके एग्जाम में मार्क्स आए होंगे 17 या 15, टाइपिंग एरर हो गया 51, इसलिए पास हो गए। वहां जाके वॉशरूम जाके मुझे गाली देने से क्या होगा? सच्चाई तो सच्चाई रहने वाली है। कल हितेश ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी आपकी, आप मुझे गालियां दे रहे थे। वो हितेश ने बताया मुझे, बोले विनय ऐसे बोलता है, वो कन्हैया बहुत आवाज कर रहा है आजकल, मुझे क्लास के बाहर निकाला, मैंने होमवर्क नहीं किया। तो मैं भी ढेर शाना हूँ, मैंने ग्रुप में से लिंक में से लाइव देख लिया, क्या समझता है वो? ऐसे बोला मेरे को आपने ये लिखा? ये लिख के क्या ऑप्शन? क्या करोगे वॉशरूम जाके? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? यहाँ तक का तो लिखने दो। किसके दो पीस में बनेंगे, क्या बोल रहे हो? वे आ तो आ जाएगा ना इसमें, इसमें तो एनालिसिस आएगा। अभी अपने को आगे और करना है। ये लिखा सबने, अब आप समझे मैंने ऐसे वर्टिकल क्यों बनाया, ताकि अपना एक पेज में फिट हो जाए। अभी आपको नीचे वापस अलग से बनाना पड़ रहा है। यहां तक हुआ सबका? 1 2 3 4 5, आपने एक कॉलम कम बनाया है। टोटल वाला कॉलम बनाया नहीं आपने, देखो टोटल भी है हाउस 5 के बाद। देखो टोटल का कॉलम भी है, टोटल में अपन आपका नाम लिखेंगे, सब जन अक्षय का नाम लिखना। ओके okay? अमाउंट आ जाएगी उसमें। यहां तक हुआ? अब इसके नीचे 4 लाइन छोड़ना, क्योंकि अपने को कमेंट करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन बेटर है। 4 लाइन के बाद वर्किंग नोट 1 फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ एसओपी, बरोबर। अब बरोबर हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, 4 और 5। सबसे पहले एनएवी आएगा नील, आया ना? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। नील, हितेश लिखते जाओ, और इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड। फॉर रिपेयर
फॉर कंस्ट्रक्शन, बराबर। तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये समझा क्या? ये बनाओ जल्दी से, जागो जागो हितेश। जाओ जाओ भाई, क्लासरूम गंदा कर दूंगे आप तुम्हारा। आप क्यों बैठे हो उधर? विनय ने गालियां दी वो सुनाई दे दी, तो इसकी क्यों नहीं देगी? मेरे क्लासेस में मैंने कुछ यूनिक स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। एक लड़की आती थी मेरे पास पढ़ने के लिए, उसको सुनाई नहीं देता था, वो क्लास में मेरे लिप मूवमेंट से पढ़ती, तो मुझे हमेशा बोलती थी आप बोर्ड की तरफ देख के मत कुछ बोलो, आप सामने देख के बोलो। एक स्टूडेंट आया था जो उसके पैर जो है उसकी नसें सुन्न हो गई थी, वो उस दरवाजे से लेके यहाँ तक चलने के लिए उसको 1-1.5 घंटा लगता था। तो उसका भाई उसको कंधे पे ऐसे लाके क्लास के लास्ट बेंच पे बैठा था। एक स्टूडेंट आया था नेपाल से पढ़ने के लिए, उसको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी, अब पढ़ाने का तो कैसे पढ़ाने का। बाद में बन गया सीए वो धीरे धीरे, एक तो अटेम्प्ट लगते हैं और क्या। वो सीख गया फिर, उसको पहले बोला तो इंग्लिश सीख। तो आप लोग तो इनसे बेटर सिचुएशन में हो, इसलिए पढ़ सकते हो। एक लड़का ब्लाइंड था वो सीए बन गया, बताया आपको। और वो इंस्टीट्यूट के जो चैप्टर्स होते हैं वहाँ पे लेक्चर्स भी लेता था बाद में। ब्लाइंड था, उसको दिखता नहीं था, वो राइटर लगता था पेपर में। तो आप तो इन सबसे बेटर पोजीशन में हो, सिर्फ मेहनत की कमी है आप। चलिए आते हैं आगे। अभी देखो इसमें इंटरेस्ट दिया है आपने को, दो इंटरेस्ट दिए हैं, ये परचेज के लिए और ये रिपेयर के लिए। दिखा रिपेयर का मैक्सिमम कितना होता है? 30,000। और इसका कितना होता है? बराबर। तो अभी अपने को इंटरेस्ट लिखना है। पहले वाले हाउस में खाली रिपेयर का है तो कितना मिलेगा? 30,000। तो कितना अमाउंट था? 2,10,000। पहले में 2,10,000 है देखो, बराबर। उसको कट करके हम कितना लिखेंगे? 30, ताकि अपने को समझे कि रिपेयर में कितना मिलता है, 30। तो ये 30,000 नेगेटिव हो गया। समझ में आया? ये समझा पहला। अभी दूसरा, दूसरे में क्या दिया है? एक क्वेश्चन की शीट आगे पास करो तो मेरे को, बार बार मैं उधर स्विच करने से। तो रिपेयर के लिए 789 इंटरेस्ट है और परचेज के लिए 11,000। तो ये 11,000 है और ये इसको फॉर परचेज की जगह या फॉर कंस्ट्रक्शन की जगह फॉर परचेज लिख दो। और यहाँ पे कितना है? 7, बराबर। ये समझा? जी, बराबर। अगर रिपेयर के लिए लिया तो मैक्सिमम 30,000। और ये 11, बराबर।
41 नेगेटिव। फिर तीसरे वाले में कितना है? एक 70 और 50 के लिए 170 और ये 14 लाख पर 14 में से मिलेगा कितना? 1 लाख वाले में परचेज के लिए 2 लाख तो 2 पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे 2 30 है ये 2 लाख नेगेटिव 2 लाख नेगेटिव 2 लाख नेगेटिव बराबर। ये समझा? अब वर्किंग नोट किसका बनेगा? एलओपी का। वर्किंग नोट 2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी बराबर। हाउस प्रॉपर्टी A1, हाउस प्रॉपर्टी 2, हाउस प्रॉपर्टी 3, हाउस प्रॉपर्टी 4, हाउस प्रॉपर्टी 5। सबसे पहले क्या आएगा? जीएवी। जीएवी उसने देखे रखा है अपने को। देखो म्यूनसिपल वैल्यू फेयर एंड विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, वो जीएवी हुआ ना, वो कितना दिया है? 12 लाख 12 लाख 70 27 लाख 60 हजार 4 लाख 90 15 लाख 90 बराबर। इसमें से लेस म्यूनसिपल टैक्स पेड, वो भी दिया है हमको 40 120 190 30,000 120 बराबर बराबर से। फिर एनएवी आया 11,60,000 11,50,000 20,70 460 बराबर। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी लेस इंटरेस्ट। अभी लेट आउट है तो इसमें तो पूरा इंटरेस्ट मिलेगा 2,10,000 7,00,000 8,00,000 15,70,000 2,02,30,000 बराबर। तो इनकम फ्रॉम डीएलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी। अच्छा 30% कितना होगा? हाँ 7,71,000 41,000 तो ये कितना आता है? 7,00,000 चेक करो, गलत भी हो सकता है। विनय नाम है उसका, विनय। टू लैख
ये समझा सबको? सोचो सबको और कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता तो जीएवी नहीं देता, तो उसका भी वर्किंग नोट बनाना पड़ता। ये 3,48,000 है, ये 3,45,000 है। आप चाहो तो नोट्स में कैलसी पे कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो ये एनएवी का 30%, मुझे ऐसे लग रहा है वो पॉजिटिव 5,000 होना चाहिए। 11,45,000 आता है, माइनस 11,45,000। मैंने तो बोला था विनय है, वो विनय वर्ल्ड फेमस विनय, जिसके ऊपर थ्री इडियट में चतुर नाम का कैरेक्टर आया था। बराबर, सब फिगर्स चेक करने का भरोसा नहीं करने का। अब तो सब चेक करेंगे ये लोग। इंटरेस्ट तो दोनों ही माइनस होंगे ना, यहाँ पे तो लेट आउट प्रॉपर्टी है ना, दोनों इंटरेस्ट फुल डिडक्शन, कोई लिमिट है ही नहीं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? इसमें सब रिपेयर परचेज सब आता है, उसमें खाली रिपेयर थोड़ी होता है। पीछे सब भी तो किए थे, पीछे भी तो माइनस किया था। ये हुआ सबका रिकॉर्डेड वालों, इन पे भरोसा नहीं करना, सब कैलकुलेशन चेक करना, ये लोग गलत भी आंसर बोलते हैं। बरोबर है, अभी कुछ गड़बड़ नहीं है। चलिए अभी अपन आवाज नहीं करते हुए टेबल में अमाउंट्स फीड की जाए, करेक्ट? तो अभी मुझे पहले हाउस वन की इनकम बोलो। बी का 2,00,000 पॉजिटिव, बराबर। अच्छा दूसरे में 30 नेगेटिव, माइनस 3rd वाले ऑप्शन में, मकान 4 का एसओपी इसका एसओपी कितना है लास्ट वाले का? इसका फर्स्ट वाले का डीएलओपी 122,799,
6,02,000, 41 नेगेटिव, 229, 2,00,000 नेगेटिव, 799, फिर ये 6,02,000, ये 41 नेगेटिव, ये 2,30,000, 1,22,000, 2,00,000 नेगेटिव, बराबर 6,02,000, 2,00,000 का इनकम, 2,00,000 नेगेटिव, इसका भी 2,00,000 नेगेटिव, ये 799, ये 2,00,000 नेगेटिव, ये 122, और ये 2,00,000 नेगेटिव, बराबर, और इधर 229 माइनस 2,00,000 और माइनस, अब इन सबका टोटल करूंगा ऐसे, नेगेटिव इनकम है ना उनमें, इंटरेस्ट पेड है ना, पॉजिटिव आ ही नहीं सकती है उसमें, एनएवी तो नील होती है उसकी, तो इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो नेगेटिव इनकम ही होगी ना, इतने पढ़ना पड़ेगा, आपने बरोबर नहीं पढ़ा है, डीएलओपी देखो ना हाउस वन का, ये रहा इधर, ये देखो डीएलओपी, ये लिखा है सब, देखो एक बार लिखो सब चल, लड़ाई झगड़ा नहीं रहे भाई, मुझे पूरा विश्वास है, हर ऑप्शन की इनकम पता करनी पड़ेगी ना, कशाला इसीलिए तो बोला कि उसको विश्वास है कि आप कराओगे, इसलिए तो बोला उसको विश्वास है कि आप कराओगे, वहां लिख के सबका, अरे ये लिख के हुआ क्या, आप वर्टिकल टोटल करना, आपको हॉरिजॉन्टल नहीं करनी, आपको वर्टिकल करनी है, इसको इसको इसने उल्टा बनाया टेबल, वह कॉपी करके इतना टाइम कैसे लग रहा है आपको कॉपी करने को,
अच्छा सुनो, यहां तक हुआ? ये लिख के हुआ क्या मनन? ये भाई जल्दी लिखो, मुझे आगे सॉल्व करना है, मैं इनके साथ सॉल्व करना चाहता हूँ, कहीं इन्होंने गलत कर दिया तो। अच्छा सुनिए भाई, आपके पास जो एसओपी एलओपी बना है उसमें से ही है सब फिगर्स, अपने नाम भी लिखे डीएलओपी एलओपी, उसमें से फिगर लिए अपन ने। अच्छा सुनिए अभी जरा, इधर 2 मिनट प्लीज, प्लीज 2 मिनट सुन लो, प्लीज 2 मिनट सुन लो। पहले का टोटल बोलो कितना आया? 10,70,000। अच्छा दूसरे का टोटल कितना आया? अभी सुनिए जरा, एसओपी का मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 2 लाख है। मैं बोल रहा हूँ सुनो सुनो, प्रॉब्लम यही है, आप सुनते नहीं हो, आप कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में काम। मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा ना, तो एक हाउस का 30 है तो दूसरे का 1,70, या फिर ये कट कर दो, इसको नहीं ले लो, कैसा भी कॉम्बिनेशन। देखो इंद्र ने मुझे उस दिन पूछा था, सर कोई भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, और आज उसको कॉम्बिनेशन याद ही नहीं है। अब ये देखो यहां पर भी, यहां पर भी देखो 170। अब यहां पे 170, अभी यहां पर ये 41 है, ये 2 लाख है, तो 41 कम हो जाएगा 159। फिर 159 और यहाँ पर भी 159। बस बस इतने खुश ना हुए आप। अब यहाँ पे देखो दो 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 लाख है, तो एक को काटना ही पड़ेगा, इसको काट देते हैं। कोई भी एक को कट कर दो, बराबर। अब आप टोटल लीजिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर एसएससी 2 लाख, मैंने बोला था, पर मेरा विनय का एग्जाम्पल भी दिया था, एक ही दुकान हम दोनों ने आधी आधी मिलके बारे में ली, तो उसको 2 लाख अलग, मुझे 2 लाख अलग, लेकिन एक ही आदमी का 3 मकान है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो भी 2 ही लाख मिले, मैंने क्लियरली बोला था। कोई भी कट कर दो, रिकॉर्डेड वालों आपने भी घाई किया होगा तो रॉन्ग हुआ रहेगा, मैं बोल रहा हूं, रुको रुको सुनी ना मेरी बात। ले कट रहा, ये देखो ये 159 है ना, इधर 8 वाले में काटा, 8, 9, 10 में कटेंगे, तो ही आपको समझेगा। आपको ऐसे समझा, शॉर्ट डायरेक्ट करता तो समझता था क्या? उसमें क्या हो गया? अपने को पता है ना कि अपने को करना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से साफ सुथरा काट के लिखूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और आपको समझ जाता है तो बिना काटे भी लिख सकते हो डायरेक्टली 2 लाख का कॉम्बिनेशन। अभी तनिषा टोटल भी कर लो। अच्छा हाँ भाई विनय, क्या टोटल आया सेकेंड वाले का? सेवन ट्वेंटी सिक्स। सबजन सबजन चेक करना, ये शॉर्टकट में कर रहा है सब,
833, 156, 13 lakh, 6th वाले का, हाँ, 14,30,000, 7th वाले का, 7, 6 लाख। अब देखो लीस्ट इनकम किसमें है, लीस्ट इनकम कौन से ऑप्शन में है, ये है ना 156। सेवेंथ का है वो, सेवेंथ का 753 है, 14,30,000। अभी लिस्ट किसमें आ रहा है, देखो 156 में, इसमें आया सेकंड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, सब जन लिखिए एक बार, देख लीजिए बरोबर है क्या, रिकॉर्डेड वालों देखिए एक बार बरोबर है क्या,
सिंस टोटल इनकम टैक्सेबल इज लीस्ट इन ऑप्शन फोर, मिस्टर जेड शुड ऑप्ट हाउस प्रॉपर्टी वन एंड फाइव एज एसओपी एंड हाउस प्रॉपर्टी टू थ्री एंड फोर एज आया ना बराबर, ये समझा सबको? वन एंड फाइव एज एसओपी, वन एंड फाइव एज एसओपी, गई कंफर्म? हुआ ये सबका? लिखाइए, इसीलिए तो मैं करवा रहा हूँ ना, टफ तो करवाना पड़ेगा ना एग्जाम में, फिर दिमाग कैसे चले? इंस्टीट्यूट ऐसे टफ वाले सब नहीं करती है, ये अपन बनाते हैं ऐसे। अभी जो मैंने आपको चैप्टर वन में टैक्स कैलकुलेशन कराई, इंस्टीट्यूट में एक भी सब नहीं है वैसा। ये समझा सबको? एक बार सब आंसर चेक कर लीजिए, ये पहले नोट था, रिकॉर्डेड वाला चेक कीजिए। रिकॉर्डेड वालों पॉज कर लेने का, अगर लिखने का रहेगा तो 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। अच्छा ये समझा सबको? अभी रिकॉर्डेड वालों आपको भी 15 मिनट का ब्रेक है, अभी हो रहा है 2:40, वी विल मीट एट 2:55, ओके? उधर से आप रिकॉर्डिंग जरा बंद कर दीजिए या पॉज कर दीजिए प्लीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक। रिकॉर्डेड वालों होपफुली आप आ गए होंगे, और ये सम समझा सबको? एट वाला, ये देखो ऐसे जो टफ सम्स होते हैं ना, उनको वापस एक बार घर पे जाके खुद करने का बिना देखे, तो अपने को समझता है कि अपने को कितना क्लिक हो रहा है। आप अगर यही सम्स को वापस एक बार बिना देखे कर लो और फिर बाद में मॉड्यूल चालू करो, तो मॉड्यूल के सब सम आपसे हो जाएंगे, ठीक है? चलिए अभी अपन स्टार्ट करें। रीड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 4 में क्या दिया है अपने को? थ्री ब्रदर्स ए बी सी having equal share are co-owners of house property consisting of 6 residential units. ABC क्या है? co-owner. co-owner आपने कौन से सेक्शन में पढ़ा था? 26 में अपने co-owner पढ़ा था, करेक्ट? तो ABC 3 co-owner है एक प्रॉपर्टी के, जिसमें 6 यूनिट्स है। Each of them occupy one unit of his residence and other 3 are let out at 7,000 per month. Municipal value of house property is 4 lakh and municipal tax is 15% of municipal value are paid. During the year, expense are as follow: actual repairs, collection charges,
insurance, interest on loan, correct? One of the let out unit remained vacant for 4 months during the year. A could not occupy his unit in previous year as he was transferred to Delhi. A does not own any house property as self-occupied. The other income of ABC 180, 150, 190. Compute taxable income for current previous year if ABC opt out of default tax regime. Barabar. Kare start. Question samjha aapko. Yahan pe kitne bhai hain wo? Teen. तीनों का इनकम कंप्यूट करना है हमको. तीनों के पास एक एक एसओपी है और एक एक एलओपी. अब एलओपी तो तीनों की कंबाइंड ही है, तो हमको तीनों एलओपी की इनकम ढूंढनी पड़ेगी और तीनों में बांटना पड़ेगा. बराबर आ जाइए. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, क्या है? प्रीवियस ईयर क्या है? 2023-24. असेसमेंट ईयर क्या है? 24-25. अब यहाँ तीन भाई है तो तीनों का कॉलमनर फॉर्म में बनाएंगे हम लोग. तो पर्टिकुलर्स, और आपको अलग अलग बनाना है तो अलग अलग भी बना सकते हो. ए बी सी तीन है ना, आप चाहो तो अलग अलग, एक का पूरा अलग, फिर बी का अलग, फिर सी का, ऐसे भी कर सकते हो. मैं कॉलमनर फॉर्म में बना रहा हूँ. पहला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बरोबर, इसमें दो रहेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट, करेक्ट. दूसरा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. क्वेश्चन में दिया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कितना दिया है वो हम लिख लेंगे, तो हमारा आ जाएगा टोटल इनकम. आया ना? ये समझा सबको? बरोबर. अब वर्किंग नोट वन किसके लिए बनाएंगे? एसओपी. बरोबर, बाद में किसके लिए बनाएंगे? तो वर्किंग नोट वन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ए बी और सी.
लेस डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, बराबर तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये नील, ये अंडर सेक्शन 23(2), इसमें से जॉब के लिए बाहर कौन गया है? ए गया है, बाकी सब कुछ यही है, बराबर ना। और लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है हमने, अंडर सेक्शन 23(2)(b), यहाँ पे अंडर सेक्शन 23(2)(a), समझाइए बी किसके लिए होता है? डीम्ड, जो बाहर रहता है, बराबर, अंडर सेक्शन 23(2)(a), समझाइए ए खुद रह रहा है तो बी और सी खुद रह रहे, और स्मॉल बी किसके लिए? जब खुद नहीं रह रहे, समझे? अब ये लिख दिया तो नोट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना हमको, समझाइए। तो ये भी नील, इंटरेस्ट है 1,75,000 डिवाइड बाय 6, 6 यूनिट्स है ना, 29,167, 29,167, 166, सेल्फ ऑक्यूपाइड 29,167, 29,166, ये समझा सबको? ये सबको समझ में आया गाइस? वाई आता है सबका? अभी वर्किंग नोट टू किसके लिए बनेगा? और कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तीन यूनिट है ना ऐसे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस प्रिंसिपल टैक्स पेड, यहाँ रियलाइज रेट तो है ही नहीं, तो एनुअल नेट एनुअल वैल्यू एनएवी,
लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड। बराबर आ जाएगा इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, फिर वर्किंग नोट, इसके नीचे अभी पांच लाइन छोड़ना, पांच छह लाइन, क्योंकि वो इनकम जो आएगी बांटेंगे ना सबको, तो इसके नीचे चार पांच लाइन छोड़ना, फिर वर्किंग नोट थ्री और कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री। ए में क्या आएगा? म्युनिसिपल वैल्यू हाईएस्ट, बराबर फिर बी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, वैकेंसी पीरियड रेट, बराबर सिंस सी इज मोर देन इक्वल टू ए, ए बी इज इक्वल टू बी, सिंस सी इज लेस देन ए, बराबर अब फेयर रेंट कितना दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू तो दिया है कितना, चार लाख, तो कितना होगा ₹66,667। अच्छा फिर स्टैंडर्ड रेट कितना है, बराबर एक्चुअल रेट क्या है, एक्चुअल रेट कितना है 7,000 पर यूनिट है ना, और एक में एक यूनिट वेकेंट था, तीन महीना देखो, Each of them occupy one unit for his resident and other three units are let out at the rent of 7,000 per month. तो स्टार्टिंग में each दिया है तो अपन ऐसे ही इंटरप्रीट करते हैं कि वो each इनके लिए दिया है, तीनों मिला के नहीं, अगर तीनों मिला के होता तो एक तीन महीना खाली है तो फिर रेंट कैसे होता, समझ
समझे, इंटरप्रिटेशन शुड बी प्रॉपर। तो ये देखो एक में 9 महीने का लिया है मैंने, 7 9 0 बराबर, बाकी सब में 12 12 महीने का लिया है, समझाइए। फोर लिखा है कि तीन लिखा है, तो 8 हो जाएगा, तो ये 56, 7 8 56, 84 + 56, वेकेंट 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 कितना हो जाएगा, 7 4 28, 84 84 56, समझा क्या ये 84 84 56। $84,000 $84,000 $56,000 बराबर। अब म्युनिसिपल टैक्स कितना परसेंट दिया है, तो म्युनिसिपल वैल्यू 4 लाख है, उसका 15% डिवाइड बाय 6 10,000, समझाइए। थर्टी परसेंट कितना हो जाएगा, उसने दिया है क्वेश्चन में परसेंटेज, म्युनिसिपल टैक्स इज 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, दिखा। बराबर, तो फिर मुझे तो कितनी जगह गुस्सा आना चाहिए था। $175 / 6 = 29,167 कितना, ऐसा बराबर, इन तीनों को ऐड करो कितना होता है, 48, ये तीनों में बढ़ जाएगा, ए और बी में, सी में, सब जाइए। तो यहाँ पे 16 100 16 100 16 100 और सेल्फ ऑक्यूपाइड 29,167 ना, और अदर सोर्सेस की इनकम कितनी है, 180, तो अपनी टोटल इनकम आ जाएगी, कर सकते हो अभी। फिर इसके बाद अभी देखो इसमें क्वेश्चन के अंदर उसने
रिपेयर्स कलेक्शन चार्जेस इंश्योरेंस दिया है तो एक्सपेंस का नोट लिखना पड़ेगा, बरोबर ना। और अनरियलाइज्ड रेंट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो बाकी किसी का नोट लिखने का जरूरत, तो नोट नंबर 4 आएगा ना अभी, वो आप लिखोगे। जैसे पिछली बार आपने गलत लिखा, चेक कर लूंगा गलत लिखा रहेगा, तो इस बार 6 पेज तक मैं नोट लिख ही दूंगा। चलो एक बार सब पूरा दिखा देता हूँ, पहले रिकॉर्डेड वालों को दिखा दूँ। रिकॉर्डेड वालों देखो ऐसा कुछ लिखा है अपन ने, आप सही समय पे आए हैं, हमें टैब का चार्जर चाहिए। अभी आपको कहाँ से लिखना है, किसी को लिखना है किधर से, किसी को लिखना है क्या? रिकॉर्डेड वालों नोट लिखो एक्सपेंसेस का, फिर मैं विनय का गलत वाला नोट रीड करूंगा। अभी रूल बना देंगे कि जो नोट नहीं लिखेगा उसको अपन वही नोट 100 बार लिखवाएंगे, यही क्लास के बाद लाइव।
ये लिखा सबने, समझा सबको, ये समझा क्या? ये क्या हो गया? नहीं वो ठीक है, आप क्लासरूम खाली है ना, वो आप चिंता मत करो, ये आवाज बंद करूं मैं, आपकी आवाज चली जाएगी अंदर। ये हुआ सबका, एक्सपेंस का नोट लिखा, क्या लिखा बताओ मेरे को, इसमें ग्राउंड रेंट का है, लाओ जल्दी, और कौन कौन है ग्राउंड रेंट वाला? अपन ने क्या लिखा? लाओ रेड पेन दे दो जल्दी से, एक्चुअल रिपेयर्स, कलेक्शन चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम आर कवर्ड इन स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%, सो नो सेपरेट डिडक्शन of same shall be allowed। देखो तीन तक तो मैंने पहुंचा दिया, अगली बार इससे ज्यादा हो जाएगा, फिर बोलना नहीं मेरे को आप। ये समझा सबको? अच्छा अभी आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 वाला रीड कीजिए। प्लीज क्वेश्चन 5 रीड कीजिए सब जन। रीड किया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को,
एक्स ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली, 60% ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, 40% इज लेट आउट ऑन मंथली रेंट ऑफ 5,000. द लेट आउट वॉज ऑल्सो सेल्फ ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1/10/23 टू 31/12/23. However, with effect from 1/1/24, the entire house was let out for 12,500 per month. The construction of house property was completed on 1/12/20. A loan was taken for 1,80,000 for construction of house on 1/1/18, which is unpaid still. Rate of interest is 10%. Interest has to be paid on due date. Following expenses are incurred for the above house property during the year ended 31st March 2024. Municipal tax paid, municipal tax due current year 23-24, and insurance, land revenue. Calculate income of house property of X for current year. If he opts out of default tax regime. Question में एक ही मकान दिया है. अच्छा, fair rent, municipal value कुछ भी नहीं दिया है. तो actual rent क्या हो जाएगा हमारा? Actual rent क्या हो जाएगा? GAV. हमारा जीवी क्या हो जाएगा? एक्चुअल रेट. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे एक ही मकान है, यहाँ पे और कोई मकान नहीं है ना. पीछे सब में दो तीन मकान होते थे. तो यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बराबर उसमें से लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू. अनरियलाइज्ड रेंट जैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे. लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, आया ना. स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, तो हमारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी. यस और नो? उसके बाद वर्किंग नोट वन. वर्किंग नोट वन देखो, अभी आप देखो घर कुछ ऐसा बना हुआ है उनका. दो पार्ट है, 60% और पहली डेट कौन सी दी है उसने, देखो रीड करो. अप टू वन, देखो उसने क्या दिया है, 40% लेट आउट है, 60% सेल्फ ऑक्यूपाइड है. द एलओपी पार्ट वाज आल्सो सेल्फ ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1/10, यानी 30 सितंबर तक की बात बोल रहा है हमको. ये लेट आउट एट द रेट ऑफ रुपीज 4,000, नहीं 5,000. और ये क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, आया ना. ये कब तक है, 1 अप्रैल 23 से लेके 30 सितंबर 23 तक.
फिर 1 अक्टूबर से क्या हो गया इसमें, पूरा SOP 1 अक्टूबर 23 से 31 दिसंबर 23, फिर पूरा लेट आउट एट द रेट ऑफ 12,500 पर मंथ 1/1/24 से 31 मार्च। अब इसमें कोई भी हिस्सा फुल्ली SOP है ही नहीं, तो यहाँ SOP का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिंस नो स्पेसिफिक पार्ट और यूनिट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज SOP थ्रू आउट प्रीवियस ईयर, बरोबर, नो बेनिफिट ऑफ SOP विल बी रिसीव्ड। आया ना, वेरी क्लियर। देयरफॉर फुल हाउस प्रॉपर्टी विल बी रिगार्डेड एज LOP। बरोबर। अच्छा, अभी वर्किंग नोट टू। नॉर्मली यहाँ पर म्यूनसिपल वैल्यू फेयर नहीं दिया है, तो GAV क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट। सिंस नो फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू इज गिवन, GAV इज इक्वल टू, बरोबर, अपन यही करते हैं। अल्टरनेटिवली बेस्ड ऑन एक्चुअल रेंट, बेस्ड ऑन वी कैन फाइंड फेयर रेंट। हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बरोबर, जैसे फॉर फुल हाउस रेंट इज 12,500 पर मंथ, देयर फॉर फेयर रेंट 12,500 × 12 आया ना, ये हो जाएगा 1,50,000। ये समझा, वी विल फॉलो 1st अप्रोच, दैट इज इफ नो फेयर रेंट इज गिवन इग्नोर इट। आया ना, उसको क्या करने का, इग्नोर करने का, समझे। तो हमारा यहाँ पे GAV क्या हो जाएगा, 5,000 × 6 महीना, 12,500 × 3 महीना, तो 67,500। देखो इतना ही आता है क्या, 12,500 आएगा 37,500, और 5 × 6 30,000, 30 + 37,500 67, बरोबर, ये समझा सबको। तो हमारा GAV 67,500। अब इसका एक्चुअल म्यूनसिपल टैक्स देखो कितना है, 15,000, ड्यू वाला तो नहीं मिलेगा, तो 52 30% हो जाएगा 15,750। देखो 52,500 का 30% करो, 15,750। इसके लिए वर्किंग नोट 3, इसके लिए वर्किंग नोट 2। आया ना, तो वर्किंग नोट 3 में आपको क्या करना है, अभी फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, बरोबर, जागो जागो परेशान टी, जागो जागो, दवाई चाहिए आपको, ये समझा एवरीबॉडी।
अच्छा अभी इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी दिया है। पहला अमाउंट बोरोड कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ए भाई विनय, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ बोरोइंग, हाँ वन वन एटीन। अच्छा फिर डेट ऑफ कंप्लीशन, वन ट्वेल्व, ये समझा क्या? तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड्स ऑन 31 दिसंबर, 31 मार्च 20, therefore pre-construction period one one 18 to 31 March, तो कितने महीने होते हैं? 12 और 3, 27 महीने आया ना। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट एक लाख 80 इंटू 10%, 5 previous years, बराबर इन 5 equal installments, यानी कि कौन से में आएगा? 2021, 22, 23, 24, हमारा ईयर भी है इसमें 8100 बराबर, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे? करंट ईयर 1,80,000 × 10% 18,000, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 8,000, तो 26, 41, 850, तो हमारा इनकम माइनस करना है भाई। ऐसा समझे? अच्छा अभी इसके अंदर नोट 4 फॉर म्युनिसिपल टैक्स, नोट 5 एक्सपेंसेस, और एक और चीज दी है यहाँ पे, वो तो लिख दिया अपने, नहीं वो तो ठीक है सर, एक्सपेंस आ गया, म्युनिसिपल टैक्स आ गया, बस और कुछ नहीं। ये दो पे भी नोट लिखने पड़ेंगे अपने को, जैसे पिछली बार लिखाया था वैसे, खाली लिखते मत छोड़ना एक्चुअली पेड़ आगे। इन गिवन क्वेश्चन अमाउंट ड्यू विल नॉट बी अलाउड, अमाउंट ड्यू ऑफ ₹15,000 फॉर ईयर, जो ईयर रहेगा उसका नाम लिखना, बराबर ये समझा? कॉपी कीजिए, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? कॉपी कीजिए जल्दी जल्दी हितेश, ये लोग स्टार्ट से लिख रहे हैं ना। तनिषा ये कितने? अच्छा फिर चिंता तो है अभी तक,
खत्म हो गई उसकी एनर्जी अभी, उसके चेहरे से दिख रहा है बस, अब मुझे खाना दे दो। क्या हुआ विनय? विनय बोल रहा है मैं इतनी देर से दुखी होने की एक्टिंग कर रहा हूँ, फिर भी मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे सर। एक्टिंग और सच्चाई में थोड़ा फर्क हो जाता है ना, मतलब समझ रहे हो ना आप? मनन जागो, बस मनन गिरने ही वाला था, मैंने आवाज लगा दी। आँख में नहीं, वो ठीक है, थोड़ा बहुत होते हैं दर्द। वहां यहाँ तक बस बस, कितना आवाज करोगे? आपको इससे समझता है ना, अगर आप बनाते हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हो तो भी ठीक है। अभी आप जो भी आजू बाजू बोल रहे हो, तनिषा को सिर्फ आवाज आ रही है पर प्रोसेस कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ उसके कान में खुजली चल रही है, कुछ तो डेटा अंदर आ रहा है पर प्रोसेस नहीं हो रहा है। थोड़ी देर खड़े हो जाओ, चलो वाह, धमकी दे रहे मुझे क्या? इज एसओपी थ्रू आउट प्रीवियस ईयर, थ्रू आउट प्रीवियस ईयर रिकॉर्डिंग वालों देख रहे हो, खुलेआम धमकी दी जा रही है टीचर को, ये हष्ट पुष्ट लोग आप देख रहे हो। उसमें मजा नहीं आती है, रिकॉर्डेड उसी के काम का है जो बहुत सिंसियर हो, डिसिप्लिन सिंसियर, नहीं तो रोज ना ऑन करेगा, चल कल देख लूंगा कल देख लूंगा, एंड तक होगा ही नहीं, फेस टू फेस और ऑनलाइन लाइव, ये दो में सिंसियरिटी रहती है। क्या हुआ हितेश भाई, जरूरत से क्या होता है? जरूरत तो बहुत जन को बहुत चीजों की होती, मिलती है क्या? वर्किंग नोट 1 कंप्लीट हुआ?
वर्किंग नोट टू यहाँ तक लिख के हुआ, इग्नोर इट तक, इग्नोर इट तक लिख के हुआ, विनय के हाथ चलना बंद हो गए आज, मैं तो कुछ लिखवाया ही नहीं, आप खुद ही लिख रहे हो, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, लिखो। अभी देखो हितेश नहीं लिख रहा है, क्या बोल दिया? लिखा यहां तक, कहाँ तक हुआ ये वर्किंग नोट? 31 मार्च 20 तक हुआ, लिख के लिखो 4 और 5, नोट नोट 4 और 5 लिखो,
लिखो जल्दी 4 और 5। वहां लिख के सबका नोट 4 और 5 लिखो फटाफट स्टार्ट। आ रहा हूं मैं एनर्जी देने के लिए, एनर्जी देने आना पड़ेगा, आप थक गए बहुत। फिजिक्स पढ़ा था ना, When two body collides each other, energy from one body transferred to another. The body in which energy is transferred become reds. Red will show demo. Please don't worry. मैं डेमो बता रहा हूँ, इधर लिखो 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 जल्दी। सुनने से इतनी एनर्जी आ गई, सोचो मिलने के बाद कितनी एनर्जी आएगी आपको। हाँ बस देखो असर देखो आप सिर्फ। लिखो लिखो हाई लेवल डैश डैश। क्यों ऐसा कहा लिखा है कि आपको नहीं मारेंगे? 4 घंटे और देखो एनर्जी आ गई, आवाज निकलने लगी। आप सोचो असर सोचो सोचो, सही में पड़ जाए तो कितनी एनर्जी आएगी। लिखो जल्दी, मुझे लग रहा है आज तीनों के बुक में 6-7 पेज में लिखने ही पड़ेंगे मेरे को, तो ही ये लिखेंगे। बारिश आ रही के बाहर, गाइस प्लीज प्लीज नोट लिखिए। आप लोग आवाज मत कीजिए, देखिए धैर्य को हार्ट अटैक जैसा हो रहा है, फटाफट नोट लिखिए। धैर्य को तकलीफ हो रही है। एक्सपेंसेस हाँ बस आने दो, उसके बाद छोड़ूंगा। चलो लिखो नोट, उसका भी इलाज है मेरे पास। आप सिर्फ बोलो आपको हार्ट अटैक आ रहा हूँ, मैं इलाज करने आऊँ, मैं इलाज करने। चलो जल्दी जल्दी नोट लिखो, एक्सपेंसेस का, म्युनिसिपल टैक्स का। जिसकी नोटबुक चेक की उसमें नहीं लिखा रहा तो 100 टाइम्स लिखाऊंगा, पहले सोच लेना। और वही यहाँ लेक्चर के बाद लाइब्रेरी में बिठा के एक्सपेंस। देखो कौन से एक्सपेंस, एक्चुअल रिपेयर्स भी होगा उसमें।
इंश्योरेंस प्रीमियम, लैंड रेवेन्यू, वाले के दोनों नोट यस गाइस लिखा नोट। अच्छा अभी आओ क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार रीड करते हैं अपन। मिस्टर एक्स ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर ओन रेजिडेंशियल पर्पस थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, नॉट लेट आउट एट ऑल, नॉट पुट टू एनी अदर यूज, नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड, रिलेवेंट डेटा पर्टेनिंग टू म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दे के रखा है, म्यूनसिपल टैक्स पेड दे के रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन दे के रखा है। ये जो नीचे लिखा है ना ये सब कट कर दो, खाली उतना ही, ये वो जो नीचे की फैली लाइन है ना वो कट कर दो, वो अभी आपके काम की नहीं है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ असेसमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 opt out for default tax regime। अब इसमें दो हाउस है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दोनों का मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा, दोनों मिला के 2 लाख, बरोबर। आपको याद है मैंने क्वेश्चन 3 कराया था वो इंदौर वाला, वहां पे नोट लिखाया था कि दो ही मकान का मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख, वैसा पूरा नोट लिख के कंप्यूटेशन बना के आप लिख के आओगे, याद है क्वेश्चन, सॉल्व लाइक क्वेश्चन 3, बरोबर। एवरीबॉडी करेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर वालों, होमवर्क करके आना, जो कल होमवर्क करके नहीं आएगा उसको मैं नया चैप्टर नहीं बिठाने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग का लिंक भी नहीं शेयर करने दूंगा। ओके, जय हो, बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर खत्म, मॉड्यूल चालू कर सकते हो अभी आप लोग, उधर से रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।